स्वागत है आप सभी का एक और नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वीडियो इसीलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें जो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे उस बारे में जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वे प्रोटीन। अभी वे प्रोटीन बनता कैसे है, वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट क्या है, वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारे सवालों के आपको जवाब इस वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, तब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले मैं आपको मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है मोहित बेंडे, मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन मेरा काफ़ी है अभी के लिए। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि रहेगा वे प्रोटीन। देखो, काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हमेशा से रहता है कि उनको लगता है कि वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वे प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, वे प्रोटीन गंदा है या अच्छा है, वे प्रोटीन कब लेना चाहिए, वे प्रोटीन पानी के साथ लेना चाहिए, दूध के साथ लेना चाहिए। इन सारे सवालों के आपको जवाब इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेंगे। तो पहला सवाल आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि है क्या वे प्रोटीन कैसे बनता है। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, वे प्रोटीन जो है ना, वे प्रोटीन वो बस एक सप्लीमेंट है। अभी ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वे प्रोटीन को स्टेरॉइड समझते हैं। अभी ये चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वे प्रोटीन सप्लीमेंट है, स्टेरॉइड नहीं है। सिंपल सी बात है, वे प्रोटीन बनता किस चीज़ से आपको पता होगा। आपने घर पे दूध से पनीर तो बना ही होगा, जो पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है ना, वही होता है वे प्रोटीन। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जब भी आप दूध में से कोई भी प्रोडक्ट अलग कर दे, उसमें से जो बचा हुआ चीज़ है वो पानी रहता है, और वो पानी है वे प्रोटीन। आपने एक चीज़ नोटिस की है, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको माँ अपना दूध पिलाती है, अभी वो दूध में भी वे प्रोटीन होता है और उसकी क्वांटिटी अराउंड 80-20% होती है। मतलब अगर उसमें 80% वे रहेगा और 20% उसमें केसिन रहेगा, वहीं गाय के दूध में 20% वे रहेगा और 80% तक केसिन प्रोटीन रहेगा। इसीलिए आप देखते हो ना कि दूध में से अगर आप प्रोटीन पाउडर बनाते हो तो वो बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है, और वहीं पनीर बनाते हो तो पनीर बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि पनीर एक केसिन प्रोटीन का सोर्स है और एक दूध का जो पानी बचा हुआ रहता है पनीर बनाने के बाद, वो एक वे प्रोटीन का सोर्स होता है। अभी आपको ये सवाल तो नहीं रहा होगा कि वे प्रोटीन कैसे बनता है। जो पानी बचता है ना, उसको ही फैक्ट्रीज में ले जाकर प्रोसेस करके उसको पाउडर फॉर्म में बनाते हैं हमारे अच्छे के लिए। तो वे प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप फूड में से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन खरीदने की, आपको पैसे बचाने चाहिए। देखो, बॉडी बनाना मतलब ये नहीं होता कि आपको बस पैसे उड़ाने हैं, सप्लीमेंट पे ये सप्लीमेंट लेके आओ, वो सप्लीमेंट लेके आओ, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग फूड में से अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाते, उनके लिए वे प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन जाता है। लाइक अभी मान के चलो, जो एक बंदा है जो ऑफिस जा रहा है, जिसको 9 से 5 बजे तक ऑफिस में रहना होता है, अभी वो बंदा डाइट कंप्लीट करेगा कैसे, क्योंकि वो घर पे तो नहीं है, घर पे तो बना नहीं सकता। तो वो बंदे को अगर हम वे प्रोटीन दे सकते हैं तो उसकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती है वे प्रोटीन पाउडर की वजह से। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वे प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आई थिंक इतना सा काफ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा कि वे प्रोटीन कैसे बनता है और वे प्रोटीन आपके लिए किस हद तक सेफ है। अभी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वे प्रोटीन एक गुड प्रोटीन सोर्स है। वहीं सिंपल सी बात आ रही है, सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम रहेगा। क्योंकि अगर न्यू बॉर्न बेबीज को हम वे प्रोटीन ही पिला रहे हैं, उनकी ग्रोथ ही उसी वजह से हो रही है, तो वे प्रोटीन गलत कैसे हो सकता है। फ़र्क इतना है कि न्यू बॉर्न बेबीज जो मिल्क कंज्यूम करते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क होता है, वुमेन ब्रेस्ट मिल्क, और जो हम कंज्यूम करते हैं वो गाय या भैंस का दूध होता है, जिसमें से वे प्रोटीन अलग करके हम उसको कंज्यूम करते हैं, इसीलिए वो महंगा होता है। क्योंकि गाय के दूध में आपको 20% तक वे मिलता है और 80% तक केसिन मिलता है, क्वांटिटी कम है इसीलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है, और दूसरी बात प्रोसेसिंग में जो खर्चा आता है वो सब उसमें ऐड हो जाता है, तो इसीलिए जो आपको प्रोटीन के डब्बे मिलते हैं ना, वो महंगे मिलते हैं। और एक बात होती है, जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे इंडिया में है तो आपको सस्ता मिलेगा, अगर ऑन जैसे ब्रांड लेके चलो तो वो महंगे आते हैं क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे इंडिया से बाहर होती है। अभी उस टॉपिक पर बारे में जाते नहीं है,
बस यही समझ लो कि वे प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। अभी अच्छा सोर्स होने का मतलब क्या होता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स कैसे होता है? सिंपल सी बात है, प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड्स। अभी अमाइनो एसिड्स अगर उसमें अच्छी मात्रा में, मतलब 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड उसमें है, तो वो एक क्वालिटी प्रोटीन हो जाएगा। अभी क्वालिटी प्रोटीन सिर्फ वे प्रोटीन नहीं है, आपको एग्स मिलेगा, आपको सोयाबीन मिलेगा, उसके साथ साथ आपको जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो अच्छे क्वालिटी में आपको अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। उसके बाद आपको फिश, चिकन, इसमें भी आपको 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। तो ये सारे आपके लिए क्वालिटी प्रोटीन बन जाते हैं। तो सिर्फ वे प्रोटीन क्वालिटी प्रोटीन नहीं है, उसके साथ साथ ये सारे फूड सोर्सेज भी क्वालिटी प्रोटीन है। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, अगर आप बहुत अच्छी एक फिजिक अचीव करने चाहते हो, तो आपको पुश करने के लिए वे प्रोटीन हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। पर अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, अगर आप फूड में से अपना प्रोटीन इंटेक कम्प्लीट कर पा रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वे प्रोटीन खरीदने की। अभी आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि रहेगा क्या वे प्रोटीन पानी के साथ लेना चाहिए या दूध के साथ लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है। देखो, अगर आप वे प्रोटीन को दूध में मिक्स करके कंज्यूम करते हो, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। अभी टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि दूध में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, फैट होते हैं, कार्ब्स होते हैं, हाई कैलोरी फूड है, तो उसमें अगर आप प्रोटीन मिला के पी रहे हो, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, मतलब आप डाइजेशन उसका स्लो रहेगा। अगर आपको चाहिए, अगर आपके बॉडी की नीड है कि आपको डाइजेशन स्लो प्रोसेस में करना है, तो दूध के साथ ले लो। अगर आपको बॉडी की को इंस्टेंट रिकवरी चाहिए, तो आपको पानी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि पानी में अगर उसको आप डालोगे, तो वो आपके डाइजेशन प्रोसेस आपकी फास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट आपके ब्लड में वो डाइजेस्ट होके चला जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। अगर आपके बॉडी को नीड है कि आपको स्लो डाइजेशन चाहिए, तो दूध में डालो। अगर आपके बॉडी को चाहिए कि फास्ट डाइजेशन चाहिए, तो पानी में डालो। आई थिंक इस क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से मिल गया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ टू मेक अ वे प्रोटीन एट होम। देखो, काफ़ी सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वे प्रोटीन, और मैं तो ये बोलता हूँ ना कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो आप सिर्फ फूड में से भी प्रोटीन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखे हैं कि हाउ टू मेक अ वे प्रोटीन एट होम। देखो भाई, आप वे प्रोटीन होम में नहीं बना सकते हो। जो लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ना कि ये डालो उसमें, पीनट बटर हो गया, ओट्स हो गए, उसके बाद केले हो गए, और बाकी और सारी चीज़ें डाल देते हैं, फिर बोलते हैं ये होममेड वे प्रोटीन हो गया, नहीं बनेगा। क्योंकि उसमें ओट्स आ गए, उसमें पीनट बटर आ गया, उसमें बादाम आ गए, उसमें ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो ये प्रोटीन कैसे रहेगा? ये तो कार्ब्स या फैट का सोर्स हो गया, तो ये प्रोटीन का सोर्स नहीं बनता। ये अगर आप गेनिंग कर रहे हो, अगर आपको गेन करना है, तब जाके आप ये वेट गेनिंग शेक समझ कर पी सकते हो। आप ये प्रोटीन शेक समझ कर नहीं पी सकते हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन तो है ही नहीं। अगर आप ये कंज्यूम भी कर रहे हो, तो उसमें आपको कितना प्रोटीन मिलने वाला है? आपको 500 कैलोरीज को लेके चल रहे हो आप, तो उसमें से आपको सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। मतलब आप 500 कैलोरीज के, 25 ग्राम प्रोटीन के लिए 500 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, वहीं आपको वे प्रोटीन में सिर्फ 25 ग्राम ही प्रोटीन मिल जाता है। मतलब आपको कैलोरीज बहुत कम, 100 तक कैलोरीज मिल जाती है, और सीधा 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। उसमें कार्ब्स और फैट्स ना के बराबर होते हैं। वहीं वेट गेनिंग शेक में, जो आप होममेड वे प्रोटीन समझ के पीते हो, उसमें आपको 500 कैलोरीज, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन ना के बराबर मिलता है। तो ये कैसे आपका वे प्रोटीन हो गया? ये वे प्रोटीन हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वे प्रोटीन घर पे बना ही नहीं सकते हो। अभी एक आखिरी बात, अगर आप फूड में से अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे अच्छा आप अपने फूड के ऊपर ध्यान दो, आप अपने वर्कआउट के ऊपर ध्यान दो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप जब एक लिमिट तक पुश कर लोगे, उसके बाद आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ने लगेगी, तब जाके आप वे प्रोटीन ले सकते हो। आई होप इस वीडियो में से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स कुछ भी बचते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया है, इस वीडियो में थोड़ी बहुत बातें बची है जो करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरा ये सेकेंड ट्राई है। अभी मैंने जस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप समझ लेना उस चीज़ को। और कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पूछना, मैं आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल और जेन्युइन लगा है, तो इस वीडियो को अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मुझे एक वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा,
और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको एक नए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।